हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको एम सिक्स 5G फ़ोन है, तो पोको एम सिक्स 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में पावर बटन की प्रॉब्लम है, तो पावर बटन की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं पोको एम सिक्स 5G फ़ोन में, और कैसे पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे पोको फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट के जरिए पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन से ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, इसके जरिए एनिमेशन की स्पीड को आप इंक्रीज कर सकते हैं और फ़ोन की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन आ गया है, तो आपको इस पे जाना होगा, एडिशनल सेटिंग पर। एडिशनल सेटिंग्स पे आप जहाँ चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं, पर आपको पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो एडिशनल सेटिंग्स पे जाकर एक्सेसिबिलिटी को ओपन करना है। मेन्यू शॉर्टकट्स पे जाना है, मेन्यू शॉर्टकट्स को आपको अलाउ कर देना है, जिससे शॉर्टकट आइकन आ जाएगा। तो पावर शॉर्टकट्स पे जैसे आप क्लिक करते हैं, तो पावर शॉर्टकट्स के जरिए पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हैं, पावर ऑफ़ कर सकते हैं, साइलेंट मोड भी कर सकते हैं, यानी एयरप्लेन मोड को भी ऑन करके पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और ऑटो रिस्टार्ट भी आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और ऑटो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं फ़ोन को। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो